नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार योद्धा में। चलिए देखिए, हम लोगों ने पांच क्लास पढ़ा है सर्ट्स एंड इंडिसेज के बारे में। आज छठा क्लास है, उसमें पांचवे क्लास में आपको हमने कुछ एग्जांपल बताया था, उसी के बाद हम एक और एग्जांपल चलते हैं। देखिए ये है, इसमें कौन बड़ा है, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है क्वेश्चन क्या, 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/4, 6 के पावर 1/6, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन बड़ा है ये देखना है। हमने क्या बोला था पहले कि HCF ले लीजिए, HCF ऑफ 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/6। HCF लेने के लिए बोले थे कि पहले ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, फ्रैक्शन में है ना। फ्रैक्शन में जब भी HCF लेते हैं तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाले का LCM, ठीक है। अगर LCM ऑफ फ्रैक्शन कर कहता तो ऊपर वाला का LCM और नीचे वाले का HCF हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 1/12 हो गया, ये हमारा हो गया। अब चलिए इसको हम 1/12 के रूप में लिखेंगे, यानी कि 2 के पावर क्या करें कि 1/12 हो जाए, और तो इसको क्या करना होगा, 6/12 है ना, 6 × 2 = 12, 1/2 भी हो जाएगा। नहीं, यहां पर भी उसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे तो 12 लाना है और 4 दिया 12 है ना, तो 4/12 हो जाएगा। 4 का पावर कितना हो जाएगा, नीचे में 12, यानी कि 3 × 4 = 12 है ना, तो 3/12। और 6 को क्या लिखेंगे, तो 6 को लिखेंगे क्या, ऐसा 2/12 है ना, तो 2/12 करेंगे तो 1/6 भी हो जाएगा। इसी के स्थान पर ये लिखे है ना जी, कोई दिक्कत है। देखिए तो 1/6 को 2/12 लिख सकते हैं, 1/4 को 3/12 लिख सकते हैं, 1/3 को 4/12 लिख सकते हैं, 1/2 को 6/12 लिख सकते हैं। अब ये दिख रहा होगा क्या, 2 के पावर 6 का होल पावर 1/12, अभी क्या है 3 के पावर 4 का होल पावर 1/12, फिर क्या 4 के पावर 3 का होल पावर 1/12 है ना, और 6 के पावर 2 का होल पावर 1/12। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये क्या है, तो ये 64 है, 64 का पावर 1/12 है। देखिए पावर सब जगह सेम कर दिए ना, HCF लेते हैं इसीलिए कि पावर सेम हो जाए, ठीक है। और 3 का पावर 4 यानी कि 81 का पावर 1/12, ये 64 का पावर 1/12। कोष्ट के अंदर जो है संख्या उसको पहचानेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। 6 के स्क्वायर क्या 36 के पावर 1/12, इसमें कौन बड़ा है, देखिए तो दिख नहीं रहा है आपको। अब पावर जब सेम है, बेस में जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा, बेस में कौन बड़ा है सबसे, ये है सबसे बड़ा, यानी कि 81 के पावर 1/12 सबसे बड़ा। उसके बाद कौन बड़ा, ये सबसे बड़ा है ना जी, और उसके बाद कौन बड़ा, तो 64 के पावर 1/12, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। और सबसे छोटा कौन हो गया, तो ये हो गया 64 के पावर 1/12, ये बराबर है किसके, 64 के पावर 1/12 से, और ये बड़ा है किसके, तो 36 के पावर 1/12 से। अब इसको इसके जगह पर हम क्या लिखे हैं, 81 के पावर 1/12 किसके जगह पर है, ये है 3 के जगह पर न जी, तो 3 के पावर 1/3 सबसे बड़ा हो गया। और उसके बाद कौन बड़ा हो गया, तो 2 के पावर 1/2, ये पहला स्थान हासिल करता है, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, और सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा ये, तो ये चौथा स्थान। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमको, समझ में आता है कि आप लोगों को कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। चलिए ये समझ गए, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो बना देंगे आप लोग। चलिए सर्ट्स में तो कौन बड़ा होगा, ठीक है, √a − √b, √c − √d, √e − √f। यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसमें ये चीज कंफर्म रहेगा कि a − b बराबर रहेगा b − c बराबर रहेगा e − f, ठीक है, मतलब दोनों का अंतर सेम होगा, है ना। अब अगर सेम होगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा ही होगा, ठीक है, तब फॉर्मेट में चलिए। और तो क्या करेंगे कि इन दोनों का जोड़ देखेंगे, इन दोनों का जोड़ देखेंगे, तो a − b जो है, यानी कि a और b का जोड़ देखेंगे, a/b, a+b, c/d, c+d और e+f, इन दोनों का योग देखेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा ना, मान लीजिए a+b बड़ा है, a+b, c+d, e+f में सबसे बड़ा अगर ये है, अगर योग बड़ा होगा, योग बड़ा होगा, ठीक है, तो ये जो इसके इससे रिलेटेड जो आपका सर्ट्स रहेगा वो छोटा हो जाएगा,
मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा, योग बड़ा है तो उससे रिलेटेड जो शर्ट्स है वो क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट ए माइनस रूट बी, ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट? नहीं आया कोई बात नहीं, देखिए एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए लिख देते हैं रूट नाइन माइनस रूट सेवन, ठीक है, फिर रूट सेवन माइनस रूट फाइव, ठीक है, फिर है रूट फाइव माइनस रूट थ्री। तो इसमें हमको बता देना है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ठीक है। अब देखिए सात माइनस नौ माइनस सात तो दो, सात माइनस पांच तो दो, और पांच माइनस तीन तो दो, सब में तो दो ही आ रहा है ना, सब बराबर है। यहां पर क्या है, अंतर बराबर है, अंतर हमेशा बराबर होगा, इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे ना तो अंतर बराबर होगा, तो अंतर जब बराबर होगा तो योग देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का योग देखिए, नौ प्लस सात तो सोलह, योग देखेंगे, ठीक है, योग देखेंगे, और ये क्या है सात प्लस पांच तो कितना हो जाएगा बारह, ये क्या हो गया पांच प्लस तीन तो कितना आठ। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा योग वाला रहेगा वो सबसे छोटा होगा, है ना, और जो छोटा योग वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा। देखिए ये सबसे बड़ा योग है, यहां पर बड़ा योग है, ठीक है, और ये सबसे छोटा योग है, योग क्या है, योग छोटा है सबसे, ठीक है, ये सबसे छोटा योग है आठ, ठीक है। तो जो छोटा वाला होगा वो बड़ा हो जाएगा, मतलब पांच तीन का जो रूट वाला है, रूट पांच माइनस रूट तीन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद कौन, रूट सात माइनस रूट पांच होगा बड़ा, समझ रहे हैं ना, उससे सबसे छोटा कौन होगा, तो रूट सात सॉरी रूट नाइन माइनस रूट सेवन। कोई दिक्कत, इतना तक समझ में आया, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। देखिए रूट पांच माइनस रूट तीन सबसे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसका योग सबसे छोटा है, ठीक है। तो आपको देखना बस यही है, ये फॉर्मेट है, आपको बता दिया और इसी पर ये मैथ बन गया, ठीक है। अब देखिए इस तरह के सवाल में अगर आप देखिए क्या होगा कि मान लिया जाए दूसरा फॉर्मेट इसी में आता है क्या, कि ए रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी, रूट ई प्लस रूट एफ, ऐसा फॉर्मेट में हो और क्या हो, योग बराबर होगा, तब क्या होगा, योग बराबर है, योग सब जगह बराबर अगर होगा तो उस, देखिए यहां पर जब योग बराबर है तो अंतर देखेंगे, और अंतर अगर बराबर है तो योग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कर देते हैं, चलिए इस समझ में आया, एक और एग्जांपल लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, समझना ना है अभी। चलिए देखिए देखिए यहां पर योग देख लिए, योग बराबर होगा तो अंतर देखेंगे, अंतर जिसका अंतर सबसे छोटा होगा वो संख्या का बना शर्ट्स क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, अंतर देखेंगे a माइनस बी सी माइनस डी, ठीक है, और e माइनस ए, देखिए अंतर देखे, अंतर में जो सबसे छोटा होगा, मान लिया जाए कि ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये नंबर सबसे बड़ा दे देने वाला है, मतलब इससे रिलेटेड जो शर्ट्स होगा यानी कि सी प्लस रूट सी प्लस रूट डी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा शर्ट्स होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, नहीं एग्जांपल ही तो बताएंगे ना। चलिए देखिए लिख लेते हैं ऐसा रूट पचपन प्लस रूट पैतालीस, ठीक है, फिर देख लेते हैं रूट एक प्लस रूट निन्यानवे, फिर क्या रूट चालीस प्लस रूट साठ, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर योग क्या है, योग बराबर है, क्वेश्चन है कि इसमें से बड़ा को चुने, इन सबों में से जो बड़ा है उसको चुने, तो योग तो सब जगह बराबर है। देखिए यहां पर भी योग क्या है, बराबर है, पचपन प्लस पैतालीस तो सौ, एक प्लस निन्यानवे तो सौ, चालीस प्लस साठ तो सौ, ठीक है। तो अब अंतर को देखेंगे, देखिए एक प्लस निन्यानवे रहे या निन्यानवे प्लस एक रहे तो बात तो सेम है ना, तो अंतर बड़ा में से छोटा को देखेंगे, ठीक है, अंतर देखेंगे, समझ रहे हैं। चलिए देखिए यहां पर अंतर कितना हो गया, ये अंतर हो गया दस, ये अंतर दस हो गया, ये अंतर कितना दे दिया अंठानवे, ये अंतर कितना दे दिया तो बीस का अंतर, ठीक है।
अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन अंतर है, सबसे बड़ा अंतर का ये है, सबसे बड़ा अंतर ये है, तो सबसे छोटा दे देने वाला है संख्या, और जो सबसे छोटा अंतर है 10 ये सबसे बड़ा होगा, यानी कि 55 रूट 55 प्लस रूट 45 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और उससे उसके बाद कौन बड़ा होगा, मतलब उससे कम यानी कि उसको छोटा तो कौन होगा, देखिए इसके बाद कौन है तो 20 वाला है, तो 20 वाला कर देंगे यानी कि रूट 40 प्लस रूट 60, और सबसे जो बड़ा अंतर वाला है वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा हो गया। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको हमने सजा दिया, कोई दिक्कत, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया, समझ में आया, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, आपके लिए हम बैठे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर योग रहेगा तो योग सेम रहेगा, अगर अंतर रहेगा तो अंतर भी सेम रहेगा रूट वाला, ठीक है, अगर योग रहेगा तो अंतर चेक करेंगे, जो छोटा होगा वो बड़ा देगा और जो बड़ा होगा वो छोटा देगा, अगर अंतर दिया रहे तो योग देखेंगे और योग दिया रहे तो अंतर देखेंगे, और दोनों में जो छोटा होगा वो बड़ा दे देगा और जो बड़ा होगा वो छोटा दे देगा। बात समझ में आ रहा होगा कि सब खिचड़ी हो गया, नहीं ना खिचड़ी नहीं होना चाहिए। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं जी, तब समझ में आएगा, है ना, तो कहीं मत जाइए, बस देखते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस बहुत अच्छा से देखिए। 12 और रूट 17 रूट 15 ठीक है माइनस में है, है ना, आप एक और ले लीजिए रूट 13 माइनस रूट 11, फिर मान लिया जाए फिर एक ले लेते हैं क्या रूट 9 माइनस रूट 7। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि अंतर कितना है, 2 और यहां पर भी 2, सब में अंतर 2 का है, ठीक है, तो योग देखेंगे, नहीं अंतर सेम है, अंतर क्या है, अंतर 17 माइनस 15 तो 2 है ना, यानी कि 13 माइनस 11 और क्या 9 माइनस 7 कितना दे दिया 2, तो योग देखेंगे ना, क्या बोले कि अंतर रहेगा तो योग देखेंगे और योग रहेगा तो अंतर देखेंगे, ठीक है, तो योग चेक करेंगे, योग कितना हो जाएगा 17 और 15 का योग कितना हो जाएगा, देखिए तो 17 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 17 और 15 कितना होता है बताइए जल्दी से, 22 32 ठीक है, 17 5 22 अब 10 32 ठीक है, अब यहां 13 प्लस 11 कितना 24, 13 प्लस 11 24, इतना हम लिखने वाले नहीं है, आपको भी नहीं लिखना है, हम बस पहला बार है इसलिए समझा रहे हैं, दूसरा बार भी इसी तरह से समझा रहे हैं क्योंकि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद तो ट्रिक देखिएगा ना कैसे उड़ेंगे हम लोग। 7 प्लस 9 तो 9 7 16 ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 16 है, तो ये सबसे बड़ा संख्या दे देने वाला है, ये सबसे बड़ा शर्ट्स दे देने वाला है, इससे रिलेटेड जो शर्ट्स है वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि रूट 7 माइनस रूट सॉरी रूट 9 माइनस रूट 7 सबसे बड़ा, उसके बाद कौन बड़ा तो रूट 13 और माइनस रूट 11, और फिर उससे बाद कौन बड़ा तो रूट 17 और माइनस रूट 15, कोई दिक्कत है बताइए। देखिए यहां पर योग बड़ा है तो संख्या छोटा हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए है ना, अब रोही क्रम में इसको सजा दिए, अब रोही क्रम में मतलब घटते क्रम में इसको सजा दिए, पहले बड़ा है ना, उसके बाद क्या छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे चलते जाएंगे, अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहता था इसका इन्वर्स कर देते, इसका उल्टा कर देते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जी, आपके एग्जांपल के लिए बैठे रहेंगे, देखिए एक और एग्जांपल, बस इसी को प्लस करके बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस प्लस प्लस, लेकिन योग सेम नहीं है जी, योग सेम नहीं है, नहीं ना तो छोड़िए, योग सेम लेना पड़ेगा, चलिए योग सेम लेना पड़ेगा, मान लिया जाए रूट 17 प्लस रूट 15 कितना हो गया, ये हो गया 32, चलिए एक और ले लेते हैं रूट 2 प्लस रूट 30 ठीक है, और एक ले लेते हैं रूट 8 प्लस रूट 24, इन तीनों में कौन बड़ा है, ठीक है, तो इन तीनों में कौन बड़ा है, तो देखिए यहां पर भी 32 यहां पर भी 32 यहां पर भी 32, यानी कि योग सेम है, योग कितना है 32 है, ठीक है, तो अंतर देखेंगे ना जी, तो अंतर देखिए, अंतर देखना है तो ये देखिए अंतर यहां पर 2, यहां पर कितना, यहां पर 28, अब यहां पर कितना,
यहाँ पर हो जाएगा 16 का अंतर। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा जो बड़ा अंतर देगा, बड़ा अंतर कौन दे रहा है, ये 28 वाला। तो यानी कि रूट टू प्लस रूट थ्री सबसे क्या दे रहा है, सबसे बड़ा अंतर, बड़ा अंतर। अंतर जब बड़ा दे रहा है तो नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है, अंतर जब बड़ा दे रहा है तो ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दे। इसके बाद कौन, तो 16 वाला यानी कि रूट 8 प्लस रूट 24। अब इसके बाद कौन, तो रूट 17 प्लस रूट 15। कोई दिक्कत बोलिए है तो बता दीजिए। देखिए यहां पर अंतर क्या है, सबसे कम है तो सबसे बड़ा संख्या दे देगा, है ना। अंतर कम है, ठीक है, योग बराबर है, अंतर कम है तो संख्या से बना जो सर्ट्स है वो बड़ा दे देने वाला है। यही तो समझा रहे हैं ना जी। कोई दिक्कत है तो पूछिए, बताइए, है ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, कल के क्लास में हम लोग चलेंगे रेशनलाइजिंग, ठीक है, रेशनलाइजिंग चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा एपिसोड देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।